दोस्तों आप थोड़ी सी आवाज़ सुन लीजिएगा, थोड़ा सा शांत रह के। बिल्कुल सवेरे सवेरे, अभी जो है 6 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ विजिट के लिए पैनल बॉक्स के पास। ये देख सकते हो पैनल बॉक्स। यहाँ पर का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर की मोटर एक बार नहीं लगभग 4 बार जल चुकी है। और कितना चलती है पता है? सिर्फ एक दिन। जैसे ही मोटर डालते हैं तो एक दिन चलती है और मोटर जो है जल जाती है। फीपुर समर्सिबल मोटर है जो कि 200 फीट पे डली है। लगभग 5 HP का मोटर होगा, 20 TH का पंप होगा या फिर 25 TH का पंप होगा, वो तो नहीं पता। लेकिन ये किसी मिस्त्री ने रिवाइंड कर दिया है और उस मिस्त्री का ये कहना है कि ये जो मोटर है वो बार बार जल रहा है। 4 बार मतलब ये चौथी बार मोटर रिवाइंड हो चुका है और चौथी बार जो है वो मेरे को यहाँ पर विजिट के लिए भेजा गया है। और मैं बिल्कुल सवेरे सवेरे 6 बजे आ चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है 7 बजे जो है लाइट जाने वाली है। तो यहाँ पर कल भी मैं शाम पे आया था। शाम पे इसलिए आया था क्योंकि मैंने उसको कहा कि सिर्फ आप मोटर रिवाइंड करके दे दीजिएगा और बाकी की सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। अब मोटर जो है इंस्टॉलेशन है, जो है इंस्टॉलेशन से लेके जो मोटर चालू करने तक जो सफ़र है वो पूरी तरह से मैं ही करूँगा। इसीलिए क्योंकि मेरे को देखना है कि मोटर के सेटिंग के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटर के स्टार्टर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह जो है शुरू से लेके मतलब मोटर इंस्टॉलेशन करने से लेके स्टार्ट करने तक पूरा जो काम है वो मैं ही करूँगा। तो ये जो मोटर है कल शाम में जो है लाइट नहीं थी तो लगभग कल 4-5 बजे जो है इस मोटर को मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ क्योंकि 4-5 बजे आके इस मोटर को मैं यहाँ पर छोड़ गया था। लेकिन 3 फेज वोल्टेज नहीं था इसलिए मैं कल नहीं आया था। और देखिएगा कि मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे में अगर मोटर बार बार जल रही है तो आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि ये जो गलती है वो बार बार ना हो। ये देखिए ये वाला मोटर है फीपुर समर्सिबल मोटर जो कि एक दिन भी ठीक से नहीं चलता और जल जाता है। फिर पता नहीं कोई इसको जला देता है क्या, कोई कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको। तो जब मैं यहाँ पर कल आया, ये स्टार्टर मैंने देख के गया था कल, सबसे पहले जो मैंने देखा तो ये इसका 10 नंबर। तो 10 नंबर के अंदर सबसे पहले मेरे को फॉल्ट मिल चुका है। देखिए ये जो 3 है, 1, 2, 3 ये बिल्कुल अच्छे हैं। ये तो स्टार्टर होल्डिंग के लिए है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टार्टर होल्डिंग के लिए, ये जलने का इससे कोई मतलब नहीं है। ये स्टार्टर पकड़ के रखता है कि नहीं वो इसका मतलब है। लेकिन ये जो 3 है, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे की इसमें से पहला वाला जो है ये प्रॉब्लम है। ये देखिए ये थोड़ा सा पिघल चुका है, यानी कि यहाँ पर पट्टी जो है ठीक से चिपकती नहीं है। अगर आप आँखों से ठीक से अगर थोड़ा सा जज करना चाहें तो आपको दिख जाएगा कि इन तीनों में से मतलब इन चारों में से कोई चीज़ मतलब आपको थोड़ी सी अलग दिख रही हो तो प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ के अंदर मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है इस चीज़ के अंदर, तो मैंने इसको भी जो है वो चेंज कर दिया क्योंकि सवेरे सवेरे चेंज इसलिए तो आया हूँ मैं क्योंकि इसको चेंज कर पाऊँ। तो 10 नंबर के अंदर जो सबसे पहला जो फॉल्ट है वो 1 नंबर का वो हमने नया डाल दिया। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम शॉर्टर हो गया क्योंकि इसके अंदर अभी कोई पट्टी चिपकने का नहीं चिपकने का कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि क्योंकि कल मैं आके देख के गया था तो 1 नंबर जो है वो ठीक से सस्पेंशन नहीं कर पा था। इस पर इस तरह सस्पेंशन होना चाहिए, जब उसको हम निकलते हैं तो जाके अटक रहा है तो मतलब वो ख़राब है, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया। इसका भी सस्पेंशन चेक कर लो, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा। और ये वाली जो पट्टी है जो आपको थोड़ी सी ख़राब दिख रही है ये 1 नंबर में थी, मैंने इसको 4 नंबर में डाल दिया क्योंकि ये स्टार्टर होल्डिंग के लिए है। सबसे ज़्यादा लोड है वो इन तीनों पट्टियों पे रहेगा, इसलिए आप इधर की जो पट्टी है वही ख़राब थी यहाँ पर की, तो मैंने इसको इधर डाल दिया। तो ये भी एक काम कर लिया, आप देख सकते हो पट्टी की हालत, हो सकता है कि ये भी एक कारण हो कि मोटर बार बार जलता हो। दूसरी मेरे को चीज़ दिखी वो इस रिले के अंदर, इस रिले को मैंने खोल के देखा तो ये स्ट्रिपिंग नहीं कर रहा, इस तरह देखा। मैंने अभी इसको जोड़ दिया है, कल मैंने इसको खोल दिया। अब ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर 10 नंबर जो है ठीक से चिपक नहीं रहा है, ठीक है, तो अगर 10 नंबर ठीक से चिपक नहीं रहा है तो मेरा कहना यह है कि रिले क्यों ट्रिप नहीं हो रहा, क्योंकि मोटर तो जल रहा है लेकिन रिले ट्रिप नहीं हो रहा। अगर कोई दिक्कत आनी तो रिले ट्रिप होना चाहिए ना, तो वो भी नहीं हो रहा। यानी कि प्रोटेक्शन डिवाइस जो होता है रिले, हम किस लिए लगाते हैं, इसको मोटर को बचा पाए, लेकिन ये खुद बचा नहीं पा रहा है। क्यों, इसको मैं खोल देता हूँ। ये मैंने खोल दिया था, कल मैंने देख लिया था लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए खोला। ये देखिए ये ढक्कन निकाल दिया और ये कुछ इसके अंदर के सारी चीज़ें हैं रिले के अंदर की।
जो ट्रिपिंग वाली जो पट्टी है, ये वाली, ये जो पट्टी होती है ये स्लाइड हो जाती है। देखिए इसको स्क्रू है, ये जो है स्क्रू है, और यहाँ पर स्क्रू है, यहाँ पर स्क्रू है। ये तो इसके अंदर कॉयलें होती हैं, ये आप दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर कॉयलें हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर कॉयलें होती हैं, और ये कॉयलें क्या हो जाती हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पट्टी को ढकल देते हैं। तो ढकलने के बाद अब देखिए, ये देखिए कितना जाम जा रहा है, ये देखिए ये फिर से वापस उसकी पोजीशन जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो है ऑफ़ करने का बटन है, तो ये ट्रिपिंग होता है कि नहीं देख लो। मान लो कि इसने इसको ट्रिप कर लिया, यानी कि इस पट्टी ने इसको ढकल दिया। अब मैं ढकल देता हूँ खुद हाथ से, ये देखिए ये मैंने ढकल दिया, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रिपिंग हो रहा है क्या? ट्रिपिंग नहीं हो रहा है, तो पट्टी चिपकी रह रही है, तो ये ट्रिपिंग नहीं हो रहा है, जबकि ट्रिपिंग होना चाहिए मैं इसको ढकेलने के बाद। ये खुद जा रहा है लेकिन ये ट्रिपिंग नहीं हो रहा है, ये दूसरा प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। इसीलिए हम क्या करेंगे, रिले चेंज करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास नया वाला रिले है, इस रिले को चेंज कर दूंगा मैं। ये बस यहाँ पर ऊपर रख के थोड़ा सा पुराना हो चुका है, नहीं तो नया ही है, इसको यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। ये वाला रिले जो है मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। ये रिले के अंदर भी फॉल्ट है, 10 नंबर के अंदर फॉल्ट, रिले के अंदर फॉल्ट। तीसरा, ये जो फेज है, एक ही स्टार्टर, एक ही फेज पे दो स्टार्टर चला रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर से दो तार गए हैं इस स्टार्टर को और इस स्टार्टर को, इसके अंदर दो तार गए इस स्टार्टर को, इस स्टार्टर को। तो सब कुछ सारी चीज़ें हैं, और जो जला हुआ है ये वाला चीज़, तो इसको भी हम ठीक से दुरुस्त करेंगे, इसको निकाल के ठीक से बिठा देंगे। चलिए अभी फटाफट रिले इंस्टॉल कर देते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि मैं मानता हूँ कि ये ठीक से चिपका नहीं होगा, लेकिन ये ठीक से चिपका नहीं, मोटर ऑन नहीं हुआ, तो रिले को ट्रिप हो जाना चाहिए था, लेकिन वो क्यों होगा, क्योंकि ये भी ख़राब हो चुका है, इसीलिए ये भी ट्रिप नहीं होगा। अब तीसरा जो प्रोटेक्शन डिवाइस है इसको फेस, तो फेज भी नहीं कट रहे। फेज क्यों नहीं कट रहे, क्योंकि एक साथ ये दो मोटर चलाते हैं, इसीलिए डबल डबल फेज डाल रहे हैं, इसीलिए इसके फेज नहीं कटा रहे। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास का ये फेज तार है, तो हम सिंगल सिंगल फेज तार इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कि ऊपर वाला जो स्टार्टर है आप उसको अलग से फेज लगा दो। इस प्रकार ये दो तीनों फेज दो स्टार्टर में चला रहे हैं, दो मोटर के लिए चला रहे हैं, तो ये जो है फेज सेपरेट सेपरेट कर लीजिएगा, इसके लिए और तीन फेज बिठा दीजिएगा। तो ये इस तरह जो है प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे कि मैंने रिले को निकाल दिया, तो यहाँ पर देख लो कि एक नंबर में मैंने कहा था कि फॉल्ट है, तो ये देखिए ये तो नहीं हिल रहा, लेकिन ये हिल रहा है। ये देखिए ये जो हिल रहा है इसको ठीक कर दो। ये जो स्क्रू है यहाँ पर अगर टाइट कर देंगे इसके पीछे का, तो ये जो हिलना जो है बंद हो जाएगा, और इस रिले को इंस्टॉल कर देते हैं। जब हमने स्क्रू टाइट करने की कोशिश करी तो टाइट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि स्क्रू पूरी तरह से जंग खा चुका है और ये हिल रहा है। आप देख लो जिस तरह मैंने कहा कि एक नंबर पट्टी 10 नंबर के अंदर, एक नंबर के अंदर फॉल्ट है, तो उसी एक नंबर के अंदर ये बेस के अंदर भी प्रॉब्लम है। इस पट्टी को देखिए, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये मतलब जाम नहीं हो रहा है, मतलब ये हिल रहा है, हिलने से हम इसको बचा नहीं पा रहे हैं। तो इसको करना क्या पड़ेगा, अभी इसको नया ही डालना पड़ेगा इसको, तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इसके जो सारे पार्ट हैं उसको निकालना पड़ेगा, जो नहीं निकले उसको नया बिठाना पड़ेगा। अब इसको ये जो नया वाला जो बेस है इसको चेंज कर देंगे, तो ये भी प्रॉब्लम वाला ये जो ठीक हो जाएगा। केवल एक पट्टी ना निकलने के कारण हम जो इसको ये चेंज कर रहे हैं। अब बस यही सारे जो हैं अभी यही पार्ट इसके खराब थे उसको चेंज कर दिया, और लगभग ये जो वीडियो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, लगभग मोटर को इंस्टॉलेशन करके लगभग 5-6 दिन हो गए होंगे। तो अभी तक मोटर चल रहा है, मोटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक वीडियो जो है वो मतलब 6-7 दिन के बाद ही आता है, तो तब तक मैं वीडियो का वेट करके, अभी भी मोटर चल रहा है, इसीलिए ये एकदम काम सक्सेसफुल बन चुका है। जो कि मोटर एक दिन भी नहीं चलता था, वो मोटर अब अच्छी तरह से चलने लगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मोटर लगभग 7-8 एम्पीयर लेता है, 6-7-8, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है मोटर के अंदर। वैसे वाइंडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर की जो होती है सारी चीज़ें होती हैं इंस्टॉलेशन, जो कि हमने स्टार्टर वगैरह फेज 10 नंबर ये सारी चीज़ों के अंदर फॉल्ट होता है, और वो एक मोटर रिवाइंड करने से या फिर हल्का बाहरी तार डालने से ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मोटर का जो सॉल्यूशन है वो निकालना ज़रूरी है कि मोटर जल किस लिए रहा है, विजिट भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मिस्त्री क्या करते हैं, मोटर सिर पर रिवाइंड करके देते हैं, लेकिन उसको इंस्टॉल तो कर देते हैं जो किसान भाई है, लेकिन उसका प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने मोटर का उल्टा सीधा करके पूरी तरह से पानी अच्छी तरह से निकाल दिया, 6-7 के आसपास करंट ले रहा है मोटर और बिंदास अच्छी तरह से चल रहा है। और एक ज़रूरी बात है कि हमने जो है इसका आपको वीडियो नहीं निकाल पाए, हमने रिले सेटिंग भी कर दिया, रिले को इसके ऊपर 9-10 के ऊपर रख दिया, तो अभी
वो भी एक सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, जो कि स्टूडियो के अंदर मतलब वीडियो शूट नहीं किया गया है, तो हमने लास्ट में वो भी कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,